आज एक हम पावर बैंक का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। यह पावर बैंक एम्पियर का है जो कि मैंने अमेजोन से ख़रीदा है। कल ही मुझे डिलीवरी हुआ तो मैं आज इनबॉक्स कर रहा हूँ, कल मेरे पास टाइम नहीं था। तो इस बॉक्स खोलते हैं, अनबॉक्स कंटेंट देखते हैं क्या क्या हमें मिलता है। सबसे पहले हमें यह बॉक्स है एम्पियर का, लिखा हुआ है 1000 mAh की, और एक पावर बैंक 20 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। 10000 mAh का पावर बैंक है और एक कलर ब्लैक है। इस बॉक्स खोलते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, क्या क्या इसमें स्पेक्स हैं। इसके बैक पर लिखा हुआ है DC 539, उसके बाद ऐसे आउटपुट इनपुट ये सब लिखा हुआ है। 4.5 घंटा में चार्जिंग हो जाएगा, ये चार्जिंग टाइम लेता है। और लिथियम पॉइंट बैटरी है, इसे 2 पोर्ट मिलते हैं, एक हमें टाइप ए और एक हमें टाइप सी, एक पावर बटन, एक एंड लाइट मिलती है, 4 इंटीग्रेटेड, जो कि हमें बैटरी के परसेंटेज बताती कितना परसेंट चार्ज हुआ कितना नहीं। बाकी इसके MR की बात करें तो यह है, इसकी वेट की बात करें 246 है। इसका MRP जो है ये 1600 रुपये दिखा रहा है, 1599 रुपये, लेकिन मुझे ऑफ़र के तहत है मुझे 600 रुपये का पड़ा, 599 रुपये का। और हम बात करें इस पावर बैंक की, तो पावर बैंक काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है एम्पियर का, और 180 डे वारंटी बता रहा है, यानी 6 मंथ की वारंटी होती है इसकी। कई पावर बैंक जो कि हमें 12 मंथ की वारंटी के साथ मिलते हैं, लेकिन हमें 6 मंथ की वारंटी के साथ देखने को मिलता है। इस पावर बैंक की बात करें तो हमें एक कवर मिलता है जो कि पाउच है, और एक यूजर मैनुअल गाइड जो कि हमें इस पावर बैंक कैसे यूज़ करते हैं कैसे नहीं उसके बारे में है। और हमें यही इसमें लिखा हुआ है सब कुछ, कैसे हमें यूज़ करना है, कितना परसेंट क्या चार्ज होगा, इसको हम बाद में पढ़ेंगे देखेंगे। बाकी यही सब डिटेल लिखा हुआ है, 10% 25 से 10% ब्लिंक यानी बैटरी का जो परसेंटेज है वो बताता है। बात करें तो यह हमें पावर बैंक काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल गया, काफ़ी चीपेस्ट प्राइस में। ऐसी प्राइस में ब्रांड की तरफ से मिलना मुश्किल है, क्योंकि 600 रुपये में एम्पियर जैसे कंपनी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का पावर बैंक बनाती है। मैं इसको प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये पावर बैंक मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। मेरे फ्रेंड ने इसको यूज़ किया, उन्होंने कहा पावर बैंक बहुत बढ़िया है। और हमें एक डाटा केबल देखने को मिलता है जो कि माइक्रो USB टाइप सी टाइप ए है, और हमें एक लिफाफा पैक पावर बैंक दिखता है जो कि काफ़ी लाइट वेट है, ज़्यादा वजन भी नहीं है इसका। और ये पावर बैंक में ऊपर लिखा हुआ 1000 है, यानी कि 10000 mAh बैटरी का पावर बैंक है। ये हमें आउटपुट 5 वोल्ट 3 amp 9 वोल्ट 2.2 12 वोल्ट 1.6 amp इनपुट मिलता है। बात करें इस पावर बैंक की तो हम इसको यूज़ करेंगे और देखेंगे कैसा परफॉर्मेंस कैसा नहीं। इसमें हमें माइक्रो USB देखने नहीं मिलता है, इसमें हमें चार्जिंग के लिए टाइप सी का इस्तेमाल इसका करना होगा पावर बैंक को। पहले से पहले जो पावर बैंक आते थे उसमें माइक्रो USB होता था, लेकिन बात करें तो पावर बैंक काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है, काफ़ी सस्ता क्वालिटी का नहीं लगता। और हमें पावर बैंक ऑफर तहत काफ़ी सस्ते प्राइस में मिल गया। आए दिन मैं कोई ना कोई प्रोडक्ट को अनबॉक्स करता हूँ और अपने चैनल पर रिव्यू करता हूँ, अनबॉक्स करके दिखाता हूँ कि प्रोडक्ट में हमें क्या क्या कैसे मिलता है, कैसी परफॉर्मेंस क्या है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं नई नई वीडियो लाता रहूँगा। बात करें इस पावर बैंक की तो हमें काफ़ी ठीक ठाक क्वालिटी का मिल गया है, और मेरे चैनल का नाम है 87 चैनल, जो कि 2 साल मैंने पहले शुरू किया था। उसके बाद मैं वीडियो कभी कभार बनाता हूँ, रेगुलर वीडियो नहीं बनाता हूँ। और बात करें तो इस पावर बैंक के साथ यही सब एक्सरसाइज देखने मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं इसको यूज़ करूँगा, बताऊँगा कैसा परफॉर्मेंस है।